मिस्टर खन्ना, ब्रेड तो आपका बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन इस बारी आप कौन से फूड क्रिटिक और सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं अपनी सॉफ्ट ओपनिंग के लिए? ओ मैं महक शर्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब मेरा नाम महक शर्मा नहीं, महक शर्मा खन्ना है। मैंने मेरी आइडेंटिटी के साथ अपने पति की पहचान भी जोड़ ली है। मेरे हस्बैंड एक बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए इन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट की सॉफ्ट ओपनिंग एक अच्छे काम से होनी चाहिए, और इसीलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि इन बच्चों को खाना खिलाकर वाइट चिलीज की ओपनिंग करेंगे। क्या तमाशा लगा के रखा है? ये बच्चे किसके हैं? भगवान के। तभी बच्चे भगवान के होते हैं, और वो बच्चे तो भगवान को और प्यारे होते हैं जिनके माँ बाप भगवान के पास होते हैं। ये वो मासूम बच्चे हैं। समझ गए? अब जो खाना बनवाया है वो खिला दे। चलो बच्चों, लंच टाइम। अंकल ने आप सभी के लिए बहुत अच्छा खाना बनवाया है। टोस्ट पढ़ो। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अब तुम्हारी अर्धांगिनी होने के नाते किया, और वैसे भी आज सुबह से तुम मुझे ये याद दिलाते जा रहे हो कि तुम मेरे पति हो, तो मैंने भी सोचा कि मेरा भी हक बनता है ये जता। चाचू आप महक मेरे बच्चे, वो सर्दी बढ़ रही है और तू अपने वुलन्स वहीं घर पे छोड़ आई, तो मैंने सोचा कि मैं ही दे आऊं। इनफैक्ट संजय जी से फोन पे बात हुई तो बातें बातों में संजय जी ने कहा कि महक का बाकी का सारा सामान भी भिजवा दो, तो पुत्र मैं ले आया। जाओ जरा चाय नाश्ते का इंतजाम करो चाचू के लिए। नहीं नहीं, चाय नाश्ते पुत्र कुछ नहीं, कुछ नहीं पीनी, बस एक ग्लास पानी है? ये तेरा बैग है। ओ, हाँ, एक मिनट, ये मिठाई जी आपके लिए। लो लो लो, तुम्हें तो पसंद है मिठाई, फिर खा लेना। लो। थैंक यू, आई लव मीठा। बैठी बैठी भाई साहब। तो फिर बताइए भाई साहब, क्या सोचा आपने? सच कहूं तो थोड़ा सा मुश्किल है भाई साहब। वो क्या है कि आप में और हम में इतना फर्क है कि समझ में नहीं आ रहा कि मिलके बिजनेस कैसे करेंगे। आप भी कमाल की बात करते हैं भाई साहब, एक ही जात है हम लोगों की। आप भी बिजनेसमैन हो, हम भी बिजनेसमैन है, बड़े छोटे की क्या बात है इसमें? चार पैसे से मतलब होता है भाई साहब, तो आप रख लीजिएगा तो हम रख लेंगे। और आप सोचिए, दिल्ली छह आपकी जगह, गढ़ साड़ियों का गढ़, दुनिया भर से तरह तरह की साड़ियां आपके पास थोक दाम पे आती हैं। सो तो है, और आप उसे 4-5 गुना प्रॉफिट पर दुनिया को बेचते हो। हैं, अपना क्लिंटन, वो जो प्रेसिडेंट था यूएसए का,
है उससे? क्या है शौर्य ये सब? तू पागल हो गया है क्या? ये बैग में क्यों भर रहा है कपड़े? अरे क्या कर रहा है बेटा तू? शौर्य कर क्या रहा है तू? कहाँ जा रहा है तू अब? शौर्य, शौर्य, इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती हो ना? वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। मेरी माँ का सहारा लेकर तुम इस घर पे अपना हक जमाना चाहती हो। जैसे मेरे कमरे में पहुंचकर तुम अपने अंजाम तक पहुंची हो ना, वैसे तुम्हारा सामान मैं अपने सामान तक पहुंचाऊंगा। देखना चाहती हो? देखना चाहती हो? जसवीर, जसवीर जी, मुझे नहीं। गलत रेस्टो में तो नहीं आ गया? अचानक इनमें इतना जोश कहां से आ गया? अनु, स्लाइसेस बारीक काटना और विजय अंडो में ना किसी भी शक्कर मिक्स करना, ठीक है? साबुत में। What the hell do you think of yourself? ये तुम्हारी पराठे वाली गली का ढाबा नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एम्प्लॉय से अपना हक जताने की? सबके सामने ड्रामा मत क्रिएट करो डियर हस्बैंड, वरना फिर से थप्पड़ खाओगे, ठीक है? अरे कम से कम देख तो लिया करो कि अगला कर क्या रहा है। पार फटोनी लेकर तुम्हारे रेस्टोरेंट अपने नाम नहीं करवा रही, और ना ही यहाँ से कुछ धोखे से चुरा कर ले जा रही हूँ। क्या धोखे से चुरा कर, है ना? और वैसे भी तुम्हारा ईगो तो इजाजत नहीं देता ना, तो मैं खुद से ही बिना मांगे तुम्हारी मदद कर रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी जो तुमने मेरे साथ किया है। बात ये है कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखती हूँ, मिक्स नहीं करती। हमारे इन्वेस्टर्स उससे मिलना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है। चलो महक,